पश्चिमी अफ्रीका के देश सेनेगल के टिवाउने शहर से बड़ी दर्दनाक खबर सामने आ रही है। यहाँ एक अस्पताल में आग लगने से 11 नवजात बच्चों की मौत हो गई। सेनेगल के इतिहास में ये अब तक की सबसे बड़ी आग लगने की घटना बताई जा रही है। आग लगने के कारणों का फिलहाल अभी पता नहीं चल पाया है। हादसे की जांच जारी है। प्रशासन ये पड़ताल कर रहा है कि आखिर आग किस कारणों से लगी है। वहीं जिन माता पिता ने अपने बच्चों को खोया है उनका भी रो रो कर बुरा हाल है। देश के राष्ट्रपति मैकी सेल ने इस घटना को दर्दनाक बताते हुए दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर इस दुखद घटना के बारे में जानकारी दी। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, टिवाउने के सार्वजनिक अस्पताल के नवजात विभाग में आग में 11 नवजात शिशुओं के मौत के बारे में मुझे अभी अभी दर्दनाक और निराश करने वाली जानकारी मिली है। इस घटना से मुझे बहुत दुख है। मृतक शिशुओं के परिवार वालों के प्रति मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। बता दें कि पिछले साल 2021 में भी पश्चिमी अमेरिका के देश सेनेगल में ऐसी ही दर्दनाक खबर सामने आई थी। उस समय सेनेगल के एक अस्पताल के न्यूनेटल वार्ड में आग लगने से 4 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।